हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मीन्स पेनी स्टॉक के बारे में जो पेनी था, लेकिन एक साल के अंदर ही जो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप की कंपनी है और इनके जो प्रोडक्ट्स है ऑनलाइन काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं, रिटेल स्टोर्स में भी बिक रहे हैं और डिमांड तो बढ़ी रही है, तो उसी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है आप देख सकते हैं मोरेपेन लेबोरेटरीज, इनके काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, इसका जो लो चल रहा था 52 वीक लो 14.70 का है और हाई 44.45 का है। जब ये 18-19 रुपये चल रहा था लगभग 6 महीने पहले, तो उस टाइम इस स्टॉक को मैंने देखा था, लेकिन उस टाइम सोचा नहीं था कि इतना ये ग्रो कर जाएगा। तो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ और इनका जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं 1605 रुपये का है, EPS 0.66 का है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है, डिविडेंड तो अभी फ़िलहाल दिया नहीं है। इनके जो फाइनेंशियल्स है वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सितंबर से दिसंबर में ग्रो किया था, सेल्स भी अच्छा ग्रो हुआ था, नेट प्रॉफिट भी मीन्स ज़्यादा लेवल था। अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आएंगे तो उसी से पता चलेगा कि ये स्टॉक कहाँ जा सकता है। तो फिलहाल अगर आपने लिया है तो होल्ड करिए, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो ये स्टॉक और ग्रो कर जाएगा। तो इनके प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बिक रहे हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक ग्लूकोमीटर और ब्लड ग्लूकोज टेस्ट ड्राइव्स और जितने भी मीन्स डायबिटीज़ चेक करने के लिए, ब्लड चेक करने के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो घर पे ही लोग कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल हैं और अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं। आप रेटिंग भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी रेटिंग्स हैं। तो यही जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट्स है, नेबुलाइज़र इनके काफ़ी अच्छी तरीके से ये प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं और रिटेल शॉप्स, मेडिकल शॉप्स यहाँ पे भी बिकते हैं। तो इनका डिमांड तो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लाइफस्टाइल अभी बनी हुई है उस लाइफस्टाइल के वजह से ये प्रोडक्ट्स तो हर एक घर में रहना ज़रूरी है और जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, उनको तो ये प्रोडक्ट्स लेना ही है। और ये जो कंपनी है सबसे बड़ी कंपनी है इन सब प्रोडक्ट्स बनाने में, लिस्टेड कंपनी है, तो डिमांड तो फ्यूचर में भी बढ़ने ही वाली है। और रिजल्ट्स अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते गए तो ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकता है और लगभग इसने रिटर्न्स जो है एक साल के अंदर ही डबल से ज़्यादा दे दिए हैं। आप भी देख सकते हैं इनका चार्ट। तो मेरे हिसाब से अगर आपने लिया है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड करिए और अगर आपको लगता है नीचे आ सकता है तो एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये अब हाई पे चल रहा है तो अगर मार्केट करेक्ट होता है और अगर आपको लेना है तो उसी टाइम लीजिएगा ताकि आपको अच्छे रेट में मिले। तो आज इसी के बारे में बताना था और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचाते रहें। चलिए, थैंक यू।